आप सबको स्वागत है आपका अपना चैनल दुर्गा देसी खाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली प्रॉन्स, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हम गैस जला लेते हैं और ये तेल डाल दिया है। आइए, हमने झींगा मछली को धो लिया है, बना लिया है। इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, और ये लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची हम डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने से अच्छा फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि हम चिली प्रॉन्स बना रहे हैं, बहुत स्वाद होता है। और हम इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया है। इन सबको सारे को मिला लेते हैं, मिला लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये काफ़ी सारे एक ही साथ फ्राई हो जाते हैं बहुत जल्दी। देखिए हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम ये शिमला मिर्च धो लिया है, इसे काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में। क्योंकि हम चिली प्रॉन्स बनाने जा रहे हैं तो उसमें शिमला मिर्च पड़ते ही पड़ते हैं, बहुत अच्छा होता है। अब हम प्याज काट लेते हैं लंबे लंबे। हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें तेल डाल दिए हैं। हम ये लहसुन 10-12 लहसुन को हमने छोटे छोटे काट लिया था, चॉप कर लिया था, साथ में हरी मिर्ची भी। और ये हम प्याज डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना होता है, इसमें हल्का ही भुनना होता है। ये प्याज भी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें ये शिमला मिर्च डाल देते हैं, इसे भी हल्का सोटे कर लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, नमक डाल दिया है। और फिर से हम मिला लेते हैं। अब हम ये हरी प्याज काटा था एक, वो डाल दिया है, इसे भी हम मिला लेते हैं। उसके बाद ये लाल मिर्ची पाउडर हम डाल देते हैं एक चम्मच, ये लहसुन पेस्ट वो डाल दिया है, इसे भी हम मिला लेते हैं। फिर अब हम इसमें सोया सॉस डाल देते हैं, 4 चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं। आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल दिया है, 4 चम्मच सिरका भी डाल देते हैं। सिरका डालने से काफ़ी स्वाद लगता है। उसके बाद इन सबको मिला लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, जितना तरी पसंद हो सके उतना डाल सकते हैं। इसमें हम 4 से 5 कटोरी, छोटी कटोरी से पानी डाल देते हैं। इसे हम मिला के 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। और ये रहा हमारा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, वो भी हम डाल देते हैं। इसे हम पकने देते हैं। हमारा ये
पक गया है। अब हम इसमें मछली गिरा देते हैं 2 से 3 मिनट और इसे हम पकने देते हैं। हमारा बनके तैयार हो गया है, देखिए। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और हम इसे मिला लेते हैं। बनके रेडी हो गया है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा